हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बैक टू बैक जॉब यूट्यूब चैनल रे आपण मानको स्वागत। फ्रेंड्स, चलते जे हम डिस्कशन करबा इंडियन नेवी तरफ आसी बड़ रिक्रूटमेंट विषय में। तो फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट आप पोस्ट कौन रही है, या कौन मैंने आवेदन करें, एप्लीकेशन फी कौन, आप पोस्ट कौन रही है, डिटेल्स फ्रेंड से सब विषय डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप करवा। तो फ्रेंड्स, तापर आप चैनल को प्रथम तरफ आसती कि वीडियो को प्रथम देखते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा भूलिए। तो फ्रेंड्स, देखो ये चीज आप नोटिस ऑफिशियल नोटिस आप इंडियन नेवी तरफ आसी। देखो फ्रेंड्स, देखो यार पोस्ट कौन देखो, आप देखो सेलर फॉर द मैट्रिक रिक्रूटमेंट एमआर एप्रिल 2022 बैच। देखो आप ये मैट्रिक रिक्रूटमेंट रही है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक मागुच्छी आपंकर एप्रिल 2022 आपंकर रिक्रूटमेंट रही। देखो देखो एलिजिबिलिटी कंडीशन देखो, से कुछ देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर एनरोलमेंट आज सेलर फॉर एमआर फॉर 300 वैकेंसीज। देखो आपंकर ये आपंकर सेलर पर पोस्ट आपंकर देखो आपंकर 300 वैकेंसी पोस्ट रही है, 300 पोस्ट रही है आपंकर। देखो आपंकर ये डिटेल्स रही, देखो फ्रेंड्स आप देखिपर को। तो देखो ये लिखाई द वैकेंसी विल बी ईयरमार्क्ड इन ए स्टेट वाइज मैनर फॉर द टोटल 300 वैकेंसीज। अप्रोक्सीमेटली 1500 कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस। देखो आप 300 पोस्ट रही है, कि 1500 पिला को सिलेक्शन कर कौन आप रिटन टेस्ट में, आप रिटन टेस्ट में 1500 पिला को सिलेक्शन कर। तो यार देखो आप जो कटअप आसो आप स्टेट वाइज रही है, तो देखो आप डिटेल्स कौन रही। देखो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन देखो, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो आप 10th पास करेंगे या आवेदन करेंगे। तो देखो आप जॉब स्पेसिफिक आप कौन रही है, देखो आप जॉब सब कौन कौन रही है। देखो देखो आप जॉब है तो आप सेफ रही है, आप स्टीवर्ड रही है, आप हाइजीनिस्ट रही है, आप तीन पोस्ट आप रही। तो देखो आप कौन ही दरकार डिटेल्स लिखा जाए, आप पढ़े डिटेल्स भल से। तो देखो आप एज देखो फास्ट, तो एज देखो आप कैंडिडेट सुड बर्न बिटवीन 1 एप्रिल 2002 टू 31 मार्च 2005। देखो आप 1 एप्रिल 2002 टू आप 31 मार्च 2005 जन्म होता दरकार, जब आप डेट अफ बर्थ यही आई थे आप यहाँ आवेदन करेंगे। तापर देखो आप सालरी देखो आप देखो आप देखो ये पे एंड अलाउंस देखो आप रही फास्ट। देखो आप स्टाइपेंड अकाउंट 14600 आप पर मंथ मिले। तापर ट्रेनिंग सरपुर देखो आप सब आप सालरी रही है 21700 टू आप 69150 आप सालरी रही। तापर देखो आप प्लस डी आप डीए रही है, देखो आप डिटेल लिखा है, आप प्रमोशन हो पार देखो आप डिटेल्स लिखा है, आप डिटेल्स आपको पढ़े। तापर देखो नेक्स्ट कौन रही, देखो तापर देखो आप रही आप देखो ये इन्सुरांस कवर आप रही। देखो ये फ्रेंड्स आप लिखा है इन्सुरांस कवर, देखो देखो आप इन्सुरांस कवर रही है, 50 लाख पर्यटन आपको इन्सुरांस मिल पार। तापर देखो आप कौन रही है, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो फ्रेंड्स रही है, आप सिलेक्शन आपड़ा कमी हो। तो फास्ट मुझे कही आप 1500 पिला हम रिटन एग्जाम में डाके। तो देखो आप डिटेल्स लिखा है, आप देखो आप जो ये रिटन टेस्ट देखो आप कौन अनुसार हम देखो आप क्वेश्चन पेपर सब कौन रोह। तो क्वेश्चन पेपर विल बी बायलैंग्वेज आप हिंदी और इंग्लिश रोह, आउ कौन रही है ऑब्जेक्टिव रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन ही आसो। तो क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्रोमाइज ऑफ टू सेक्शन, आप साइंस आसो मैथमेटिक्स आप आसो, देखो जनरल नॉलेज आप आसो। तो स्टैंडर्ड फॉर द क्वेश्चन पेपर विल बी 10th लेवल एंड द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन इज अवेलेबल फॉर वेबसाइट। देखो आप जो एग्जाम हम क्वेश्चन कौन लेवल आप 10th लेवल पर आप क्वेश्चन आसो। तो फ्रेंड्स देखो आप डिटेल्स आप वेबसाइट आप पारे। देखो आप एग्जामिनेशन ड्यूरेशन देखो 30 मिनट, आप 30 मिनट आप जमा एग्जाम हम। तो देखो लिखाई देखो आप ऑल द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू पीएफटी ऑन द सेम डे। देखो जो मैंने जो दिन एग्जाम हम से दिन ही आपंकर आप जो मैंने क्वालिफाई हो तो सागे सागे फिजिकल टेस्ट आपको लिखा जाए। आप देखो आप रिटन टेस्ट हो सारा आप फिजिकल टेस्ट हो। तो फास्ट देखो आप फिजिकल टेस्ट कौन लिखा है, 1.6 किलोमीटर आप रनिंग करेंगे कैसे मिनिट्रे, आप 7 मिनिट आप लिखा है। तापर 20 उठक बैठक आप 20 थर उठक बैठक आपड़े, 10 पुशअप आप रही है। तो आप निज रिक्स आप फिजिकल टेस्ट आप देते तरह फिजिकल टेस्ट आप क्वालिफाई होगा आप मेरिट लिस्ट आसो। तापर लिस्ट आस सारापर आप मेडिकल आप डक। देखो 400 पिला को मेडिकल आपको डक। देखो तो कट ऑफ मार्क इश्यू और कॉल लेटर ऑफ एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिलिका मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू। देखो आप कौट हम आप INS चिलिका मेडिकल टेस्ट हे। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप देखो कौन रही, मेडिकल स्टैंडर्ड में देखो डिटेल्स रही। देखो ये पढ़ी आप कौन आई आई प्रोब्लम कौन दरकार, आई आपको कैसे दरकार, हाइट कैसे दरकार, चेस्ट कैसे एक्सपांड हो पार डिटेल्स आप रही है, डिटेल्स पढ़े। देखो डिटेल्स रही है मेडिकल टेस्ट में, देखो यार डिटेल्स रही। तो देखो कौट गोटे मेडिकल टेस्ट डिटेल्स रही है, ओडिशा INS चिलिका रही है। देखो तो आप INS चिलिकार आप मेडिकल टेस्ट हे। तो सही देखो आप सब आज आखि टेस्ट हम आप भिजुआल देखो आप आई देखो कैसे दरकार, बेटर आई आप 6x6 और सही आप 6x9 देखो ये आप विदाउट ग्लास विथ ग्लास डिटेल्स रही है, आप डिटेल्स आपको पढ़े। तापर देखो आप टाटू थे आप परमानेंट टाटू थे आपको डिजेबल कर दिए, आप आवेदन आप डिस्क्वालीफाई आपको करदे।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନିସିଆଲ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଲେଟର୍ ଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ରହିଛି ତ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିସଚାର୍ଜ ଅନସୁଇଟେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରିଦିଆଯିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ଆର୍ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଆକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ ମାଗିଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସେଠି ପଢ଼ିବେ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଯାକ ପଢ଼ିବେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଆବେଦନ କରିବେ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 29 ଅକ୍ଟୋବରଠୁ ଆପଣ 2 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଅଛି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିଦେବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେମିତି ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି .gov.in ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଟିପି ଯିବ ଓଟିପି ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପ୍ଲାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଫଟୋ କ୍ୱାଲିଟି ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଥିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବ୍ଲୁ ହୋଇଥିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼ି ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ୱେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କହିଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣ ୱେଟ୍ କେହି କରିବେନି କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣ ସାଇଡ୍ ମାନେ ସ୍ଲୋ ହୋଇପାରେ ତ ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାଟିଦେଇଯିବ ତ ଯାହା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହିଁ ଦେବା ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଦେବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମର ଡୋମିକାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଜଲ୍ଟ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନଭେମ୍ବର ଆପଣ ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଆର୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର PDF ମୁଁ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି ବା ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ PDF ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ